दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट टू में। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी सुजात भाई पार्ट टू लेके आना, तो मैं फाइनली पार्ट टू लेके आ गया हूँ। और पार्ट टू में हुआ क्या दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में मैं तो ले गया था पार्ट वन में 6 बजे मेरी बहन को चर्च के अंदर। वहाँ पर ले जाने के बाद हमको पता चला एक आत्मा है शरीर के अंदर, बट एक नहीं थी, दो आत्मा थी। हैं सुखाने वाली बात। और दोनों जो आत्मा है वो दोनों मेरी बहन है, छोटी वाली मेरे चाचा की लड़कियाँ हैं दोनों की दोनों, और दोनों वो मेरी बहन के शरीर में प्रवेश हो गई। तो दोस्तों, सरस में से मैं ले आया था जब नॉर्मल हो गई थी, उसके बाद घर पे लाने के बाद बातें कर रही, हमने कुछ सवाल करे तो दोनों जो ऑफ हो गई, मेरी दोनों बहना जो दुनिया छोड़ के चले गई, इनकी बातें करने लगी। वो जैसे कि जो सवाल करती थी वो ही सवाल करने लगी दोनों की दोनों बारी बारी से। तो काफ़ी डर गए थे हम। और अभी फ़िलहाल में नॉर्मल है, बिठा रखा है। चलो मैं आपको लोगों को क्लिप दिखाता हूँ, अभी फ़िलहाल में नॉर्मल है, तो क्लिप देखो आप लोग। तो दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने क्लिप। ये क्लिप जो मेरी बहन के पास में जस्ट दीवार में जो फोटो लगा हुआ है, ये आज से 4 महीने पहले मेरी बहन ये दुनिया छोड़ के चले गई। और इसके बाद एक फ़ोटो और दिखाई देता होगा यहाँ पर, ये आज से 3 से 4 साल पहले ये मेरी छोटी बहन ये दुनिया छोड़ के चले गई। तो दोनों ये आत्मा मेरी बहन के शरीर में प्रवेश हो गई अभी फ़िलहाल में। तो अभी मैं फ़िलहाल में ले कर जा रहा हूँ कल्याणपुरा खोड़ियल माँ के मंदिर पे। तो भगवान करे सुधर जाए, आत्मा शरीर छोड़ के चले जाए। तो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी कि सुजात भाई पार्ट टू लेके आना, तो मैं फाइनली पार्ट टू लेके आ गया हूँ। और अभी मैं बाइक के ऊपर लेके जा रहा हूँ कल्याणपुरा मंदिर पे, जहाँ खोड़ियल माँ का मंदिर है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल में दो आत्मा है शरीर के अंदर, तो कौन कौन यकीन करते हैं, कौन यकीन नहीं करते, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। जो यकीन करता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं यकीन करते वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ये बात हकीकत है, ये बात रियल है, ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, आज की घटना है, ये मेरे घर की घटना है। तो मैं सोच रहा दोस्तों को बताऊं, तो आप बने रहना हमारे वीडियो पर, वीडियो को कर दो लाइक। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है मंदिर पे। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं बाइक से, चलो आप बने रहना। चलो, तो हम फाइनली आ गए हैं मार्केट में और मंदिर के पास में, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलो चलो आपको दिखाते हैं हम लोग, मैं हूँ और मेरे साथ रोहित है, दो जने आए हैं हम बाइक लेके। तो चलो दिखाते हैं क्या होता है यहाँ पर मंदिर पे। Thank you.
फाइनली हम घर पे आ गए हैं दोस्तों, और बारिश चालू हो चुका है। घर पे आते आते भीग गए हम पूरे। दोस्तों फाइनली मैं मंदिर पे घुमा के और घर पे ले आया हूँ, और भीग भी चुका हूँ। बारिश बहुत तेज़ आने लग गया था, तो फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ। और मंदिर पे क्या हुआ आप सोचते होंगे, तो दोस्तों मंदिर पे क्या हुआ, मैं जब बाइक से उतार के और मंदिर पे प्रीति की मम्मी लेके जा रही थी अंदर, और अचानक सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए मना बोल दिया, सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए बिल्कुल मना बोल दिया। तो मैंने और प्रीति की मम्मी ने ज़बरदस्ती दोनों हाथ पकड़ के और मंदिर में घसीट के ले गए हम। मंदिर में घसीट के ले जाने के बाद वहाँ पर बिठाया हमने, 15-20 मिनट माता ने बिठाया वहाँ पर, जिसके बाद माता ने बुला के और पूछने की कोशिश की नॉर्मल, तो नहीं बताया। तो इसके बाद माता ने बाल पकड़े और माता का पांव वो माथे के ऊपर रखा। इसके बाद पूछा कौन हो, क्यों आई, किस वजह से, क्या कारण, सब कुछ पूछा तो बताया। और इसके बाद शरीर छोड़ने की बात करी तो शरीर छोड़ने के लिए मना बोल दिया आत्मा ने, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी यूँ बोला। और इसके बाद वहाँ पर पूजा पाठ थोड़ी बहुत हुई, और माता ने बोला मंगलवार के दिन आपके घर पे आऊँगी और वहाँ होगी सब कुछ पूजा पाठ, जो भी पूजा पाठ होगी घर पे होगी। तो यूँ करके फिर धागा बांधा, कुछ वहाँ की जो माता का प्रसाद रहती वो माता की प्रसाद दी, और मंगलवार को अपने घर पे आएगी माता, तो तब होगी पूजा पाठ पूरी। तो आपने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट करी थी पार्ट टू सुजात भाई लेके आना, तो पार्ट टू लेके आया हूँ आपके लिए। आई होप आपको ये पार्ट टू अच्छा लगा होगा। पूरी कहानी आपको सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेगा पार्ट थ्री में, तो आप पार्ट थ्री के लिए वेट करना। और जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी भी बोल रहा हूँ, कौन कौन आत्मा के ऊपर विश्वास करता और कौन नहीं करता आत्मा के ऊपर विश्वास, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ। मैंने आज आँखी नज़रों से मैंने मेरे घर के अंदर मैंने देख लिया है, तो मैं तो करता हूँ आत्मा के पे विश्वास। आप करते कि नहीं करते कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, और वेट करना पार्ट थ्री के लिए। पार्ट थ्री में बताऊँगा आपको पूरी कहानी और मंगलवार के दिन।